तो बात पटना की करते हैं, जहां जेठुली गांव में रविवार को पार्किंग को लेकर दो पक्षों में हुए विवाद के बाद करीब 50 राउंड फायरिंग हुई, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई। फायरिंग में चार और लोगों को भी गोली लगी है। वारदात के बाद गुस्साए लोगों ने आरोपी के घर और मैरिज हॉल को फूंक डाला। पुलिस ने घर में फंसी महिलाओं और बच्चों को किसी तरह से रेस्क्यू कराया। आग से घर में रखी दो गाड़ियां भी जलकर खाक हो गई। गुस्साई भीड़ ने दूसरे आरोपी के घर में भी आग लगाने का प्रयास किया। इस दौरान आग बुझाने के लिए पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम को आगे नहीं जाने दिया गया। गुस्साई भीड़ ने फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के टायरों की हवा निकाल दी। घटनास्थल से पुलिस को भी खदेड़ दिया गया। पूरे गांव में अब पुलिस का सख्त पहरा लगा दिया गया है और अब तक इस मामले में 7 लोगों की गिरफ्तारी की जानकारी सामने आई है। तो पटना के इस हिंसक कार्रवाई के बाद अब प्रशासन ने कमला चौकस है, आगे हालात ना बिगड़े इसको लेकर कदम उठाए जा रहे हैं। तो ये चार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पटना में पार्किंग को लेकर अब तक जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, उसके अनुसार पार्किंग को लेकर किसी बात को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ और फिर देखते ही देखते ये विवाद हिंसक हो गया। इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। इस बीच आरोपियों के घर और मैरिज हॉल को भीड़ ने फूंक डाला। तनाव की स्थिति को देखते हुए पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल के जवान तैनात किए गए हैं। हालात काफी तेजी से बिगड़े, जिसका अंदेशा पुलिस को भी नहीं था, लेकिन जब तक पुलिस मौके पर पहुंचती वहां भीड़ उग्र हो गई, आगजनी पर उतारू हो गई। पटना सिटी की हिंसा के बाद लगातार वहां हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। उपद्रवियों ने पुलिस टीम को भी मौके से खदेड़ दिया है। जबरदस्त हिंसा के बाद जेठुली गांव में तनाव काफी बढ़ा हुआ है। आक्रमणकारियों के आगे पुलिस अमला बेबस नजर आ रहा है। हमलावरों की तुलना में कम है पुलिस कर्मियों की संख्या, जबकि राजधानी में पूरा प्रशासनिक अमला है, पूरी सरकार यहां मौजूद है, इसके बावजूद भीड़ का उत्पात ऐसा